चीन पर चोट सुपरहिट है बॉस। आज ये नाम हमने इसलिए रखा है, इसकी वजह है हैदराबाद हाउस से आई वो तस्वीर जिसने चीन को हिलाकर रख दिया है। चीन को लेकर सवाल पूछने वालों के लिए इससे बड़ा जवाब हो ही नहीं सकता। चीन के चंगुल में फंसा नेपाल अब भारत की तरफ देख रहा है। आज भारत और नेपाल के बीच रिश्तों का नया इतिहास लिखा गया है। पीएम मोदी और प्रचंड की मुलाकात तो दिल्ली में हुई, लेकिन इसका असर दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर बीजिंग में दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी के कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक से चीन बौखलाया हुआ है। भारत और नेपाल के बीच हिट फॉर्मूला अब सुपर हिट होता दिख रहा है। इसी खबर को लेकर जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। आज अर्थव्यवस्था से लेकर इंफ्रा तक और ऊर्जा से लेकर संचार तक दोनों के बीच कई समझौते हुए हैं, जिनमें चीन की आर्थिक और कूटनीतिक कमर तोड़कर रख दी गई है और इसकी चोट आने वाले भविष्य में गहरी होगी। और इसी पर आज है अड़ी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। प्रधानमंत्री मोदी के ये बयान बताते हैं कि साल 2014 से ही केंद्र सरकार ने नेपाल के जरिए चीन को घेरने के लिए प्लान पर काम शुरू किया था। 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था, हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज, कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूं कि पीएम मोदी का हिट फॉर्मूला क्या है। मेरे पीछे जो वॉल आप देख रहे हैं चीन पर चोट सुपर हिट बॉस में, देखिए भारत का फॉर्मूला हिट कैसे है। हाईवे, आईवे और ट्रांसवे, ये है हिट फॉर्मूला। हाईवे नेपाल तक सड़कों का निर्माण पहला पॉइंटर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। हाईवे सूचना तंत्र को और बढ़ाना और तीसरा है ट्रांसवे, ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को लाना। तो इसके जरिए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत और नेपाल के रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते बेहतर होंगे तो मिर्ची चीन को क्यों लगेगी। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, आपको मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी, ड्रैगन पर यह प्रचंड प्रहार क्यों कहा जा रहा है। दरअसल चीन के न्योते को ठुकराकर प्रचंड का ये भारत दौरा हुआ है और ऐसे में उसके बाद तीसरी बार पीएम बनने के बाद भारत को उन्होंने प्राथमिकता प्रचंड ने दी है और इसके बाद चीन के निवेश और उधार का नेपाल में भारी विरोध हो रहा है। चीन के बेस्ट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर भी कहा जा रहा है कि इसका बहुत बड़ा असर होगा। तो ये वो बातें हैं जिसके जरिए चीन को मिर्ची लगनी तय है।